बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? और जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी, स्पाइसी मटन बिरयानी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबकी पसंद है, हमारे घर की आपकी सबकी पसंद है, बहुत ही लजीज और स्पाइसी बनती है। आपका वेलकम है देसी मॉम इन किचन में। आइए हम चलते हैं अब अपनी डिश की तरफ। ये एक पतीली ले लें आप, और उसमें अब है ना ऑयल डाल रही हूँ मैं। अब ऑयल डालने के लिए मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप ऑयल डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका, आप अगर ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप भी कर सकते हैं। और ये मैंने ना एक बड़ी प्याज के स्लाइस बना लिए। अब मैं इसमें इनको ब्राउन करूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको करूंगी ताकि ये जल ना जाए। ये बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होके हमारे सामने आए। अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे हल्के उस पर, और हल्के हल्के ये ब्राउन होती रहेगी। प्याज ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल ब्राउन हो गई है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें कड़वापन पैदा हो जाएगा। अब इसमें हम लहसुन के पेस्ट के 2 चम्मच डालेंगे भर के, 2 से 3 डाल लें आप, ले जाए इसमें। इसके बाद हम अदरक का पेस्ट लेंगे, वो भी हम इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा थोड़ा भर के डालेंगे, या 2 चम्मच इसके डाल दिए, इससे बहुत अच्छा अरोमा बनेगा इसको। यह हम डालेंगे, इसके बाद हम इसको थोड़ा भूनेंगे। ये थोड़ा भूनेगा, अब इसको हम थोड़ा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाए। और इसमें गोश्त डालेंगे। ये हमने 1 किलो गोश्त धो के, इस पर हम थोड़ी चर्बी वाला गोश्त लेंगे। बिरयानी में थोड़ी हड्डी हो, थोड़ी चर्बी हो, तो ये बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, रहमानी दही, ये गोश्त इसमें डालेंगे। इसमें डाल दिया, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह, इसको थोड़ा भूनेंगे जब तक ये भूनता है ना। अब हम इसी में जो हमने मसाला पीसा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे सब। इसमें मैंने थोड़े खटास के लिए इसमें मैंने आलू बुखारे भी डाल लिए, आलू बुखारों का वो भी शामिल कर लिए ताकि इसमें अच्छी खटास आ जाए, क्योंकि बिरयानी जितनी खट्टी होगी उतनी ही स्पाइसी ऑन कर लिए ताकि उसमें अच्छी खटास आ जाए, क्योंकि बिरयानी जितनी खट्टी होगी उतनी ही स्पाइसी और तेज़ मिर्च वाली बिरयानी अच्छी लगती है। अब ये इसमें डाल दिया। अब ये देखिए, हमने ये 3 टमाटर लिए बड़े वाले, इनको बारीक बारीक स्लाइस में हमने इनको बना लिया है। और ये पुदीने की पत्तियाँ लिए, इन्हें धो के सुखा लिया है, और ये आधी गड्डी पुदीना है। और ये हमने 10 से 12, 13, 14 मिर्चें ले ली, और इनको भी हमने सुखा के, धो के सुखा लिया। अब हम इसमें नंबर 1 पहले टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड करेंगे, और उसके बाद ये हम पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना ऐड करने के बाद, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे। इसे भूनेंगे इसको हम 10 से 15 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ये घी छोड़ देगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और इसे ढक के हम जब तक गोश्त गल ना जाए पकाएंगे। हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3, 3 से कुछ कम थोड़ा, जब हमें लगेगा हम इसको, जब ये भून जाएगा हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें कितनी डालना है और नमक कम चखते रहेंगे। अगर हमें जितना उसका जायका, आप तेज़ नमक खाते हैं तो तेज़ रखें, अगर हल्का खाते हैं तो हल्का रखें। और अभी जब ये भून जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह दही वाली बिरयानी तैयार होती है। ये देखिए, दही भी इसमें मसाले में उबल गई है, और ये मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी,
पानी डाल के हम इसको पकाएंगे जब तक टोश गल ना जाए। एक बाउल पानी डाल देंगे हम इसमें पूरा, ये अब हम इसको ढक के पकाएंगे। इसको ना पानी डाल दिया, अब हम इसको ना ढक के जब तक पकाएंगे जब तक ये गोश्त बिल्कुल गल नहीं जाता। और आप अगर चाहें तो आप इसको चिकन में भी बना सकती हैं, इसको बिरयानी तो हर चीज़ में, आपको ये पता है कि हर तरह की बिरयानी को लोग पसंद करते हैं। बिरयानी हमारी फेवरेट डिश है, बच्चों की, बड़ों की और बूढ़ों की, सबकी, ये सबकी पसंदीदा। दावत हो, शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो हमारे घर में इवेंट्स, तो हम बिरयानी बनाना पसंद करते हैं। ये देखिए हमने जो ये जब पकने रखा था मसाला, इसमें गोश्त और सब ऐड करके अब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें तेल जो है ऊपर आ गया है बिल्कुल, अब ये गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया, तैयार हो गया। अब हम इसको फ्रेम को, चूल्हे की फ्रेम को बंद कर देंगे। अब ये हम बंद कर देंगे, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चावलों के लिए बॉईल करने के लिए हम एक पतीली में पानी लेंगे तकरीबन 5 गिलास। मैंने ना 1 किलो गोश्त में ये खिमाम बनाया है, तो अब हम 3 पाव चावल लेंगे। 3 पाव चावल लेके हम इसको, मैंने गरम करने के लिए फुल फ्लेम पे इसको पानी को गरम कर रही हूँ मैं। उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस इसमें करके उसके बाद हम डालेंगे इसमें, उसके बाद हम लेंगे नमक। नमक जो है वो चावलों के हिसाब से डालेंगे हम। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, 2, बस 2 से ज़्यादा। अगर आप तेज़ नमक खाती हैं तो आप अपने हिसाब से करती हैं। ये हमने तकरीबन 3 पाव चावल हैं ये हमारे, हम इनको धो के और सुखा लिया। अब हम इनको इसमें डाल देंगे, अब हम इस गर्म पानी में इनको डाल देंगे और इसे उबालेंगे। अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल और हमने इनको हल्के हाथ से, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से इनको चला दिया। और अब हम इनको बॉयल होने देंगे और जब ये पक जाएंगे, जब ये गल जाएंगे तो हम इस पानी को छान लेंगे इसमें से और चावलों को बाहर निकाल लेंगे। जी देखिए अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए ये बिल्कुल लंबे लंबे और बहुत गल चुके हैं। ये देखिए ये हमने इनको बस इतना ही रखना है। अब हम इनका पानी, चूल्हे को हम बंद करेंगे और अब हम इनका पानी, अब इन्हें छन्ने में हम छान लेंगे। अब हम इसको ना, अब हमारे चावल निकल चुके हैं, हमने इनका पानी निकाल दिया, इनको छन्ने में कर दिया। अब हम इसमें से थोड़ा ऑयल लेंगे और इस पतीली में डालेंगे। इस पतीली में पलटने के बाद हम इसको वापस यहाँ रखेंगे और हम इस पतीली को ऐसे करके अच्छी तरह घुमा लेंगे, ऐसे ऑयल सब जगह घूम जाना चाहिए। फिर हम इसमें, अब हम इन चावलों को लेंगे और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे करके नीचे एक पैर बिछाएंगे, ऐसे हम करके इसको तह बनाएंगे ऐसे हल्के हाथ से। ज़्यादा इस पर आप टाइट देंगे तो ये चावल टूट सकते हैं। अब हमने इनको बराबर आधे चावलों का हमने लेयर लगा दिए, हमने यहाँ पे लेयर लगा दिए। अब हम इसको लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे इसमें। अब हम इसको आराम से उठाएंगे ऐसे और इसको ऐसे करके इस पर हिला देंगे। इस तरीके से फैल चुका है। अब हम इसको सेट करेंगे ऐसे ताकि जब हम डिश आउट करें बिरयानी को तो सबके पास, हमारे जो मेहमान हैं या घर के लोग हैं उनके पास इक्वल सबके पास मसाले के साथ बिरयानी आए। अब हम इसके ऊपर इसको बिछा देंगे। अब ये हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर बिछा दिए। इसके बाद हम इसको, अब हमने ये जो है जर्दे का या कोई भी कलर का आप जो चाहते हैं, जर्दे का ही रंग अच्छा है वैसे, जर्दे के रंग से आप इसको थोड़ा इस पर ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाएं और बस ऐसे बंद कर दें। हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम
हम इसको उठा के चूल्हे पे रखेंगे और फुल फ्लेम के साथ हम इसको चलाएंगे तकरीबन जब तक हमें 2 सेकंड के लिए हम इसको फुल आँच पे रखेंगे तो उसके बाद हमें इसमें से एक आवाज़ सी महसूस होगी तो हम इसको दम पे लगाएंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हमारी बिरयानी कहाँ तक पहुँची। अब हम इसको मिक्स करते हैं। वाओ क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्या ज़बरदस्त। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई, मटन बिरयानी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार लग रही है। इसकी खुशबुएँ महक रही हैं हमारे घर में और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो इसे ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के निशान को दबाना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।